सर मैं तो देखिए इतना पुराना नहीं है, तो और भी पुराना है। मुझे लगा ये 2009 में तुम में कर लिया था नीचे। अच्छा मेरे साथ ही यार क्या थी तो मेरा सीन है ना एक साल नहीं ये तो होता है बोलता नहीं नेक्स्ट कर दो ठीक है। इसके बाद ये है रेंज एक्सक्लूसिव रेंज, ये जो डिफाइन की गई है, ये रेंज इसलिए डिफाइन की जा रही है, डिपेंड करता है आप डिफाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ठीक है। लेकिन आप लोगों जब ये सिस्टम बता देते हैं तो ये जरूर करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये अगर रेंजेस मैंने निकाली है इसमें से कितने अभी निकलते हैं 10 ठीक है। 10 आईडीज निकलते हैं तो बेसिकली इन आईडीज का मकसद क्या होता है कि जब आगे क्लाइंट को आईपी देना है ठीक है, तो क्लाइंट को आईपी 11 से दिया जाए, 11 से दिया जाए इस रेंजेस को मैं छोड़ देता हूं। ये रेंज आमतौर पर जो है हम अपने सर्वर्स के लिए यूज कर देते हैं क्योंकि सर्वर का बिहेवियर नॉर्मली जो है डीएसपी फोन में नहीं रखा जाता। अगर रखना चाहते हैं ठीक है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रेंज अपनी जो स्टार्ट हो रही है 20.1 और आगे बताना है कि एंडिंग कितनी है, वो 10 आगे से छोड़ देंगे जब क्लाइंट को आगे देगा तो आगे 11 से देगा। डीएसपी वर्किंग स्टेज में ठीक है, अब डीएसपी टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ठीक है, आगे अगर दूसरे सर्वर में चला जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्लाइंट बना के सकते हैं, क्लाइंट वो मेंबर सर्वर जो है उसकी सेटिंग चेंज करेंगे, सेटिंग चेंज करने के बाद वाई फाई करेगा, ठीक है। Thank you.